हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं गुलफाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कीबोर्ड कैसियो CTX 817 में सितार के टोन्स कैसे बजा सकते हैं, सारे सितार के टोन आपको किस नंबर पे किस टोन नंबर पे मिल जाएंगे और उसमें से निकलने वाला साउंड कैसा होता है। तो चलिए जल्दी से अपने कीबोर्ड को ऑन कर लेते हैं। ऑन होते सबसे पहले स्टेज पियानो नंबर 1 का टोन लगा रहता है। सितार एक इंडियन टोन है, तो यहाँ पे टोन्स की लिस्ट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा इंडियन 366 से लेकर 385 तक, और इसी में सबसे पहला टोन सितार का होता है। तो डायल पैड से अगर मैं डायल कर लूं 366, तो देखिए डिस्प्ले पे 366 पे सितार 1 लिख के आ गया। अब चलिए इसमें से निकलने वाला साउंड मैं आपको सुनाता हूं। यहां पे आपको सितार के चार टोन मिल जाएंगे, जैसे सबसे पहला है 366, इसके बाद 367 भी वही है, 368 भी वही है, 369 भी वही है। तो यहां पे चार टोन आपको सितार के मिल जाएंगे, उसके बाद 541 नंबर पे मिल जाएगा। अभी मैं आपको सुनाता हूं, सबसे पहले 366 वाला टोन सुन लेते हैं, इसका कैसा साउंड होता है। तो 366 से लेकर 369 तक सारे सितार से निकलने वाला साउंड आप सुन चुके हैं। अब इसके बाद एक 541 नंबर पे मिल जाता है सितार जी करके, इसका भी साउंड आप सुन लीजिए। इस कीबोर्ड में आपको सितार के कुल इतने ही टोन्स मिलते हैं। अब इसमें साउंड में थोड़ा बहुत वेरिएशन करके या स्प्लिट या लेयर फंक्शन का यूज करके आप इसमें ढेर सारे वेरिएशन करके अलग अलग गानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कीबोर्ड में टोन एडिटिंग के बहुत ढेर सारे ऑप्शंस मौजूद है, अगर आप उन एडिटिंग का इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी टोन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आई होप कि आपको इस कीबोर्ड में सितार के सारे टोन्स पता चल गए होंगे।